के तेलंगाना अलग स्टेट होकर बहुत गलत हुआ। ये उन लोगों के लिए मैं सवाल करता हूँ। चारों एमपी से बड़ी बड़ी बातें करते थे बंडी संजय, बड़ी बड़ी बातें करते थे डी अरविंद, कहाँ गई इनकी जबानें? पार्लियामेंट में क्यों बंद हो गई? राज्यसभा में लोकसभा में सवाल करिए आपके पीएम से, अगर आप तेलंगाना को सही तरीके से चाहते हैं, अगर तेलंगाना आजाद रियासत के लिए आपके दिल में अगर मोहब्बत है तो आप पीएम से सवाल करिए। कहाँ गए इटाला राजेंद्र साहब? बड़े बड़े बातें कर रहे थे तेलंगाना के लिए, करे पूछिए आप पीएम मोदी से, या नहीं तो पार्टी से आप रिजाइन करिए, बाहरी रिजाइन करिए। तेलंगाना के जिन पार्टी अहदेदारों से भी मैं सवाल करता हूँ, पार्टी से रिजाइन करिए। और तेलंगाना की द्रोहनारा, तेलंगाना की अगर दुश्मन जमात है तो बीजेपी है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के गद्दारों की पार्टी रही, क्योंकि इन्होंने हमेशा दोगली पॉलिसी इस्तेमाल की और तेलंगाना के लिए कभी भी ये लोग सच्ची मोहब्बत नहीं किए। मैं तेलंगाना के 4 करोड़ आम की को ठेस पहुँचाने पर वजीर आजम से यही सवाल करूंगा कि आप तेलंगाना से माफ़ी मांगे, यानी तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से रिजाइन करें। और तेलंगाना के तमाम बीजेपी लीडरों से ये ख्वाहिश करूँगा कि आप पार्टी को रिजाइन करिए, क्योंकि ये तेलंगाना के गद्दार नरेंद्र मोदी की पार्टी आप छोड़कर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में हम दावत देते हैं, आइए तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ज्वाइन कीजिए, जो तेलंगाना के 4 करोड़ हमको चाहने वाली है। और अलहदा रियासत के लिए जो स्ट्रगल केसीआर साहब ने किया, वो स्ट्रगल को मैं सलाम करता हूँ। मैं दूरंदेश कायद और हिकमत इस्तेमाल करने वाले केसीआर साहब की जुर्रत को सलाम करता हूँ, जिन्होंने मरकज की सरकार को छुपा कर तेलंगाना हासिल किया और अपने आप की जान की कुर्बानी की। इस बात की ख्वाहिश करूंगा कि वो केसीआर साहब के साथ जुड़िए, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के साथ जुड़िए और तेलंगाना को स्ट्रगल करने के लिए, तेलंगाना को डेवलप करने के लिए, तेलंगाना को मजबूत करने के लिए केसीआर साहब का साथ दीजिए। मैं मोदी से सवाल करूंगा आप, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर है, जो तेलंगाना और आंध्र अलग होकर जो बिल कायम हुआ था, वो बिल के भी तमाम चीज़ों को आपने नाइंसाफी की और केरला कर्नाटक आंध्र प्रदेश को आप बजट दे रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के साथ आपका जो रवैया है वो काबिल मजम्मत है। तेलंगाना आवाम बीजेपी को भी नहीं छोड़ेगी, मोदी साहब को भी नहीं छोड़ेगी। आने वाला इलेक्शन बताएगा बीजेपी की औकात तेलंगाना में क्या है। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। केसीआर साहब जिंदाबाद, केसीआर साहब जिंदाबाद, केसीआर साहब जिंदाबाद। जय केसीआर, जय केसीआर, जय केसीआर, जय केसीआर, जय केसीआर, जय केसीआर। जन